नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के राजस्थान के नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों सेकंड वो लेके आया हूँ। कल इस वीडियो के अंदर है जो राजस्थान की नदियों के कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे उनको मैं आज इसकी वीडियो के अंदर सम्मिलित किया है, तो जो कि आपके महिला सुपरवाइजर टेक्निकल पर टू और लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा ले, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इससे आपको फ़ायदा हो और आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का दुर्ग जिन दो नदियों के संगम पर स्थित है वह है। तो दोस्तों, चित्तौड़ का दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़द नदी के संगम पर स्थित है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ जिले के किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और इस यह इसका समापन है वो आगरा के उत्तर आगरा है उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा के निकट मुरादागंज स्थान पर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है। तो यह माही नदी है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा को अलग करती है, तो इसके अंदर जो चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल कंभात की खाड़ी में उंडेलती है वह है। तो वह नदी माही नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और अपना जल है वो कंभात की खाड़ी के अंदर उंडेलती है। और यह नदी है माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील है उससे होता है और इसकी कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 171 किलोमीटर है और दक्षिणी राजस्थान में मध्य माही का मैदान बनाती है जिसे 56 का मैदान भी कहते हैं। जो माही नदी है और दक्षिण राजस्थान में मध्य माही का मैदान बनाती है जिसे 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, मोरन, एराव, चाप, अनास, इरू इसकी सहायक नदियाँ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन के संबंध में सत्य कथन है। तो इसमें हमको सत्य कथन बताना है जो कि राजस्थान के नमक उत्पादन से संबंधित है। सांभरी सांभरी है वो सांभर के नमक को कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। और कोसिया है पंचपद्रा झील है के नमक को कहते हैं, जो पंचपद्रा झील है उसके नमक को कोसिया कहते हैं और डिडू डिडवाणा के नमक को कहा जाता है। तो इसमें उपयुक्त सभी कथन है वो इसके राइट है। जो सांभर झील है वो जयपुर, नागौर और अजमेर जिले के अंदर फैली हुई है और पंचपद्रा झील है वो बाड़मेर जिले में और ये डिडवाणा झील है और डिडवाणा नागौर के अंदर है। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1869 में सांभर झील समझौता किन दो जिलों के मध्य हुआ था। तो 1869 के बीच में सांभर झील समझौता है वो जयपुर और जोधपुर जिले के बीच में हुआ था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी व इसकी सहायक नदियां किस प्रदेश में से बहती है। लूनी और उसकी सहायक नदियाँ जिस प्रदेश में बहती है उस प्रदेश को गोंडवाना प्रदेश कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर लूनी नदी का जल मीठा रहता है तथा इस स्थान के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो लूनी नदी का जल है वो बालोत्रा बाड़मेर तक मीठा रहता है और इसके बाद में है जो इसका जल खारा हो जाता है, तो इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाट को कहते हैं। तो घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं और ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर कहते हैं इसके इस नदी के घग्गर नदी के पाट को नाली हनुमानगढ़ जिले के अंदर कहते हैं, तो एक ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो मर्त नदी के नाम से है वो घग्गर नदी को जाना जाता है।
और गग्गर नदी है ये वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, तो इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं गग्गर नदी को। और राजस्थान की अंतरप्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और इसमें इसके हनुमानगढ़ जिले के अंदर गग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। और कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, और इस नदी के उपनाम है वो मर्त नदी के अलावा इसके उपनाम प्राचीन सरस्वती या दुष्यंती है, और नट नदी, सोत्रा नदी और राजस्थान का शोक भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट है दोस्तों। तो राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, घग्गर या सरस्वती नदी को कहते हैं राजस्थान का शोक। तो मर्त नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है घग्गर नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट भीलवाड़ा जिले में निर्मित बांध है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोठारी नदी पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट भीलवाड़ा जिले में निर्मित बांध है, वो मेजा बांध है, तो चार नंबर का ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बजाज सागर बांध है वो माही नदी के ऊपर स्थित है, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। इसे माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रूड़ित नदी के नाम से पुकारे जाने वाली नदी है। तो राजस्थान के अंदर जो रूड़ित नदी के नाम से पुकारे जाने वाली नदी है वह बाणगंगा नदी है, और ये बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले के अंदर बहती है, और इसका उद्गम स्थल है वह जयपुर, जयपुर जिला है, जयपुर जिले के अंदर बैराट की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है, बैराट की पहाड़ियों से जो बाणगंगा नदी है। और इसका जो समापन है वह आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाने पर होता है, इसका समापन आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर। और इसके उपनाम है वो अर्जुन की गंगा, ताला नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस नदी को, बाणगंगा नदी को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो रूढ़ित नदी बाणगंगा नदी को कहते हैं, इसे चंबल की रूढ़ित नदी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है। तो लूनी नदी के ऊपर बनाया गया बांध है वो जवाई बांध है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। जो दोस्तों ये जवाई बांध है वो जवाई नदी के ऊपर, जवाई नदी है उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाकर दिया गया है कि लूनी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है, तो जवाई बांध आएगा इसके अंदर आंसर, क्योंकि जो जवाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी होने के कारण इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो जवाई बांध है वो जवाई नदी पर, जवाई नदी पर बना है वो पाली जिले के अंदर, पाली जिले के अंदर है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल प्रपात किस नदी पर है। तो भीमताल प्रपात है वो मांगली नदी के ऊपर स्थित है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और ये मांगली नदी है यमुना की सहायक नदी है, और ये भीमताल प्रपात है वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है, बूंदी जिले में, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आनिया परवन छोटी काली सिंधी एवं पार्वती किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो यह आनिया परवन काली सिंधी और छोटी काली सिंधी एवं पार्वती है वो चंबल की सहायक नदियां हैं, और इसके अलावा चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो बनास, काली सिंधी, कुराल, परवन, नीमाज, मांगली, चाकण, मेज, बामनी और ईज नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं, अनिया परवन छोटी काली सिंधी पार्वती के अलावा, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है वो जोजड़ी नदी है, और ये जोजड़ी नदी है वो नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है, और ये लूनी में पश्चिमी दिशा से मिलने वाली एकमात्र नदी है। जो और सारी नदियां हैं लूनी के अंदर वो, ये नदी है जोजड़ी नदी, वो पश्चिमी दिशा से मिलती है, और ये दाई ओर से मिलने वाली नदी है, और सारी नदियां बाई ओर से
से मिलती है इसके अंदर, और ये जो जोजनी नदी है वो दाई ओर से मिलती है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि लूनी नदी है जो नागौर जिले के पोंडलो गांव की पहाड़ी से निकलती है, और लूनी नदी लूनी के अंदर है जो पश्चिमी दिशा से मिलती है, जोजड़ी नदी है। तो सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित भाग राज्य का भूभाग है। तो चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का जो भूभाग है वह दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश है। जो चंबल और उसकी सहायक नदियों से के जल से सिंचित भाग है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो इसके अंदर जो एक नंबर का ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्य में सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदियां है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्य के अंदर जो सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदियाँ हैं वो चंबल, बनास और लूनी नदी है। ये राजस्थान राज्य के अंदर जो तीनों नदियाँ हैं वो 6 जिलों से बहती है, 6 जिलों से। तो इसके अंदर जो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले से बहती है, और बनास नदी है तो बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिले से बहती है, और जो लूनी नदी है वह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिले से बहती है। तो ये तीनों ही नदियाँ हैं वो राजस्थान के 6 6 जिलों से बहती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर ए ऑप्शन है, यानी ए नंबर का ऑप्शन जो राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील है। तो जाट राजा जो सूरजमल है उनके द्वारा निर्मित झील वो सुजान सागर झील है। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और जो सुजान गंगा झील है वह भरतपुर जिले के अंदर है, भरतपुर जिले के अंदर जो जाट राजा सूरजमल थे उनके द्वारा निर्मित झील है ये सुजान गंगा झील। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चोपड़ा झील किस जिले में है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चोपड़ा झील है वो पाली जिले के अंदर स्थित है। तो एक नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि राजस्थान के नदियों के जो फर्स्ट नंबर का पार्ट था उसके अंदर शेष रह गए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जो राजस्थान की जितने भी जिले हैं, तालाब है, उनको उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।